दोस्तों, यदि आप भी अपने स्मार्टफोन में अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में अपनी जो खुद का पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारी स्थिति में होता है कि पैन कार्ड कहीं खो जाती है या कहीं पैन कार्ड आपको जरूरी अनिवार्य कहीं पड़ जाता है, ढूंढने पर नहीं मिलता है। उस स्थिति में आप अपने पैन कार्ड को अपने स्मार्टफोन में ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। देखिएगा, सबसे पहले पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउज़र कुछ इस प्रकार से ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार में सिंपली आपको सर्च करना है पैन कार्ड। जैसे ही इसमें आप पैन कार्ड लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहला जो साइट है लॉगिन मैनेजर का, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसी पर आपको टैप कर देना है। जैसे इस पर आप टैप करेंगे, ऐसा कुछ पोर्टल यहाँ पर ओपन होगा। अब बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे जो अप्लाई नाउ है यहाँ पे क्लिक करने लगते हैं या कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन उन आवेदकों के लिए अनिवार्य है जो नया सिरा से अपनी जो पैन कार्ड है वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको आपका पैन कार्ड सिर्फ डाउनलोड करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड ई पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे गेट ई पैन कार्ड पर, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा अपनी पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। पहला जो ऑप्शन मिलेगा, एक नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉलेजमेंट नंबर बेसिकली आपका वो आवेदन संख्या ही होता है जो आपको आवेदन करने के दौरान प्राप्त होता है। नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके पैन कार्ड नंबर से ही आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो है कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन है पैन वाले पर ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आप अपना एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ में मंथ और जो ईयर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे टिक कर देंगे, आई अंडरस्टैंड डेट माई आधार डाटा, आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट वाले पे टिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड और यहाँ पर नीचे आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो विजिबल हैं और आगे के 6 डिजिट यहाँ पे जो है कि वो यहाँ पे हाइड किए गए हैं। नीचे आप देखेंगे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। पिन कोड आपको दिख जाएगा। नीचे यहाँ पे जिप कोड आपका, बेसिकली पिन कोड और जिप कोड सेम ही होता है। नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो सेलेक्ट फ्रॉम विलो ऑप्शन टू रिसीव OTP, यानी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पे OTP अपना यहाँ पर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर पर आपको OTP मंगवाना है या बोथ, या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों पर। नीचे यहाँ पर आप कोई भी अब जो है कि तीनों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जो है कि मोबाइल नंबर ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका जो है कि OTP सेंड कर दिया गया होगा और ये OTP जो है कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। बेसिकली ये जो 10 मिनट के लिए ये वैलिड रहता है OTP, तो आपका जो OTP है वो यहाँ पर जो है कि एंटर कर देना है। उसके बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे यू फ्री अटेम्प्ट फॉर ईपेन रिक्वेस्ट इज एक्सक्यूज्ड, यू मे प्रोसीड विथ पेड फंक्शनलिटी, उसके बाद कंटिन्यू विथ पेड, उसके बाद ईपेन डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बता दें कि पहले यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो पैन कार्ड था वो डाउनलोड हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ सकता है, जैसे ऑनलाइन पेटीएम, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप करना चाहते हैं तो आप इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डर्स के द्वारा आप देना चाहते हैं तो सेकेंड वाले पर क्लिक करेंगे। तो हम जो है कि यहाँ पर UPI से करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज वगैरह भी यहाँ पर लगेगा। तो जो यहाँ पे जो ई पैन कार्ड होता है उसको डाउनलोड करने के लिए, इसको आपको डाउनलोड करने के लिए 8 रुपये 26 पैसे का जो है कि यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं UPI से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी UPI ऐप से। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे इनेबल करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे 8 रुपये है वो आपको पे कंफर्म पे जो है कि क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा, जैसे पे कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पे कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन करके 8 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो UPI का सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा, फर्स्ट में डेबिट कार्ड का, तीसरे नंबर पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आप UPI पेमेंट करते हो या पेटीएम वैलेट हो आपका, वो यहाँ पे एंटर करके आप प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो 8 रुपये का जो है कि यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा ऑनलाइन, वो जो है कि आपका
ऐप पे जो भी UPI ऐप होगा वहाँ से 8 रुपये जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका जो सक्सेसफुली जो पेन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि पहले ये फ्री था लेकिन अब जो है कि यहाँ पे 8 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा जो कि NSDL द्वारा जो है कि लागू किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे से कोई भी अपडेट आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।